आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश वासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही हर साल 10 लाख नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं प्राइम टीवी पर बात करते हुए संजय सिंह ने इलाहाबाद और पूरे देश में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हमने इस बार उत्तर प्रदेश में साफ तरीके से रोजगार दिया है, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद और पूरे देश में एनटीपीसी और तमाम भर्तियों को लेकर जिस तरह से युवा विरोध कर रहे थे और उनके ऊपर जो पुलिस बर्बरता हुई है उस पर विपक्ष का क्या कहना है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सांसद संजय सिंह जी। सर, इलाहाबाद में जो हुआ रोजगार को लेकर, युवा रोजगार मांग रहा था और पुलिस ने दरवाजे तोड़ तोड़ कर उन्हें पीटा है, सरकार कह रही है कि हमने कमेटी गठित कर दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या इसको कहने भर से सारी चीज़ें बेहतर? देखो, पहले तो ये युवाओं का शरीर खंडित करते हैं, फिर पुलिस वालों को दंडित करने की नौटंकी करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 2021 की 26 जनवरी को हमने किसानों को पिटते हुए देखा, 2022 की 26 जनवरी को हमने नौजवानों को पिटते हुए देखा। तो गणतंत्र पर, लोकतंत्र को मजबूत करने की ये जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बेनकाब हुई है, इनका असली चेहरा बेनकाब हुआ है। अब किसानों और नौजवानों दोनों की जिम्मेदारी है कि मिलकर इनकी जमानतें जब्त कराएं, क्योंकि बीजेपी से किसी भी समस्या का समाधान कराना है तो उसका एकमात्र फार्मूला है चुनाव में इनकी जमानत जब्त कराओ, तब ये तुम्हारी बातें सुनेंगे, अन्यथा सुनने वाले नहीं हैं। हमने महंगाई पर देखा, महंगाई पर किस तरीके से जब ये बाय इलेक्शन में मध्यावधि चुनाव में जब इनकी जमानतें जब्त हुई तो तुरंत इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर दिए। तो इसलिए अब अगर किसानों और नौजवानों को अपने मुद्दों का समाधान चाहिए तो बीजेपी की जमानत जब्त करानी है। आपने रोजगार और महंगाई की बात की, तो रोजगार और महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, और इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में उसको देखते हुए आप लोग का एक मैनिफेस्टो भी जारी होगा उसको देखते हुए? मैनिफेस्टो में आपको सारी चीजें बिंदुवार बताएंगे, और एक अच्छा सपना लेकर, एक अच्छी अच्छी सोच लेकर हम उत्तर प्रदेश में आए हैं और उसको, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आए हैं। और हमारा जो घोषणा पत्र होता है वो हवा हवाई नहीं होता, वो जनता के साथ हमारा करार होता है, एग्रीमेंट होता है, और उस गारंटी को हम पूरा करते हैं। से बात करने के लिए संजय जी, तो ये थे संजय सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रोजगार को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बातें कही गई थी और मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र का हवाला जो दिया गया था उस पर बिल्कुल भी बीजेपी ने काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया। हालांकि आज अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर वो जारी होने वाला है। अब ये देखना होगा कि इस मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या नया है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। और दूसरी चीज, खबर बस्ती से है जहां सपा के संभावित उम्मीदवार विपिन शुक्ला से प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम पर भी पलटवार करते हुए बोले कि आगे किसी भी पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं तो वो हैं बीजेपी, जिसमें अपराधियों की भरमार है। 2022 विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे तरीके से तेवर पे आ चुका है। हर पार्टी के प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश करने के लिए पूरी तरीके से फील्ड में जमे हुए हैं। उसी कड़ी में हम सदर विधानसभा क्षेत्र के भैसा पांडे गांव में आए हुए हैं और यहां पर सदर विधानसभा क्षेत्र से सपा के संभावित उम्मीदवार विपिन शुक्ला इस गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किस प्रकार से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव 2017 का हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सरकार सपा जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पे थे और भाजपा प्रथम नंबर पे जीत कर वहाँ MLA बने थे भाजपा से, तो क्या लगता है अब की बार आप कितने लगभग वोटों से, मतों से आप उनको पिछाड़ पाएंगे? निश्चित रूप से पिछाड़ पाएंगे, हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, हमारी पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी, क्योंकि किसानों का भला नहीं हुआ है, साढ़ चर लिए हैं, आप देखिए ना फसल बिक पा रहा है, ना तो खाद मिल रहा है, किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? टीवी पे लड़ रही है, टीवी पे वोट पाएगी,
किसान तोड़ देने वाले हैं नहीं उनको। आप जीतने के बाद सदर विधानसभा से अगर विधायक बन जाते हैं तो 5 सबसे जरूरी और मुख्य काम क्या रहेगा आपका, मतलब जो आप प्रायोरिटी के तौर पर करना चाहेंगे? विकास करेंगे सबसे पहले, जो ये अभी देखिए जहां हम लोग खड़े हैं, तुरकौलिया वाला रोड है, नारंग रोड है, जितने हैं रिंग रोड बस्ती में बहुत जरूरी है। पहले आज 10 साल पहले जब यहाँ सांसद स्थानीय सांसद पहली बार चुनाव जीते थे, उन्होंने पहले घोषणा किया था रिंग रोड बनेगा, आज तक पता ही नहीं है, खाली कागज में विकास होता है। नारंग रोड उन्होंने कहा PWD पास हो गया है, आज पूरा गड्ढा हुआ भरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो जाता है लोग, तीसरे दिन एक्सीडेंट हो जाता है। हाईवे आप देख लीजिए, यहाँ प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के पास गड्ढे हैं, बरसात में यहाँ लोग जा नहीं पाते हैं। सपा के संभावित उम्मीदवार विपिन शुक्ला से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि अब की बार किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो डोर टू डोर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी सरकार बनाएंगे। बस्ती से प्राइम टीवी के लिए रजनीश कुमार पांडे। खबर औरैया से है जहां दिव्यापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने नामांकन किया। नामांकन के बाद प्रदीप यादव ने कहा कि चुनाव में विकास के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी आएगी। वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही, जहाँ किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और खाद की चोरी की जा रही है। माननीय प्रदीप यादव जी ने दिव्यापुर सुकून विधानसभा से आवेदन किया है हम लोग का नामांकन कराना है। समाजवादी पार्टी के मुद्दे विकास का मुद्दा, क्योंकि समाजवादी पर हमेशा विकास का मुद्दा उसका रहा है और विकास का मुद्दा फिर रहेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास का मुद्दा, समाजवादी पार्टी विकास का मुद्दा कभी नहीं भूलती है और विकास करना, विकास पर ही भरोसा रखती है। विकास पर ही लोगों को मूलभूत सुविधाएँ शिक्षा दिया जाए। ये मुद्दे तो समाजवादी पार्टी में हमेशा विकास के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, और सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त है कोई तो किसान है। इस समय किसान को खाद नहीं मिली, खाद मिली तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई। रात रात भर अन्ना जानवर रखा रहा है किसान। नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो महंगाई, नौजवान बेरोजगारी और किसान, यही हमारे मेन मुद्दे हैं। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने बनवारी लाल को मोहम्मदाबाद विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रत्याशी बनवारी लाल का विरोध चल रहा है। वहीं आज मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में संगठन की बैठक के बाद नया पंचायत अध्यक्ष ने पार्टी के प्रत्याशी और उनके साथ के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जो सहयोग राशि प्रत्याशी को मिलती है, जिसमें बंदर बांट करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप सोनकर ने आक्रोश जताते हुए कई बार कई बातें कही। फंडिंग करती है पार्टी अपने तरफ से प्रत्याशी को, तो कुछ ऐसे चमचे हैं कि जो बनवारी राम को ठगना चाहते हैं और उनको एक बालाए हैं कि नहीं पार्टी आपको पैसा देगी और उसमें से हम लोग ले लेंगे। और बनवारी राम बोलते हैं कि 1-4 दिन चलेंगे, 5 दिन बैठे रहेंगे और पैसा लेकर के हम, कुछ ऐसे चमचे हैं, 3-4 ठो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि नहीं पैसा लेकर के हम लोग लब्भा में रहेंगे। पार्टी तो हम साथ हैं, बाकी पार्टियों को भी पूछना चाहिए कि वहाँ का नागरिक खुश है या नाराज है, क्या है प्रत्याशी, वहाँ की जनता नाराज है कि खुश है, ऐसे हम लोग करता है भाई। अब वहाँ से खबर फतेहपुर से है जहां आया शाह विधानसभा के वर्तमान विधायक व भाजपा प्रत्याशी विकास गुप्ता का नामांकन प्रशासन से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया। नामांकन करने के लिए वह केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से आशीर्वाद लेकर नामांकन स्थल पहुंचे थे। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा मुद्दा क्षेत्र में विकास का रहेगा, जो हमारी परियोजना अभी बची हुई थी उनको पूर्ण करने की योजना है, और 2017 में जनता ने अपार समर्थन दिया था और 2022 में भी अपार समर्थन देगी, क्योंकि मोदी जी, योगी जी और जो हमने विधानसभा आसाम में विकास कार्य कराने का काम किया है, जो हमारा संकल्प पत्र था 2017 पर वो पूर्ण हमने कर लिया है। और क्योंकि 17 के पहले हमारी विधानसभा जो 6 विधानसभा है उनमें पिछड़ी हुई थी, और जैसे यूनिवर्सिटी बनाने का है गवर्नमेंट से और फायर स्टेशन बनाने का है,
और जो रोड बची हुई हैं और उनको और अच्छी तरह बनवाकर जनता के ऊपर समर्पित करने का काम करें। लड़ाई किससे मान रहे थे आप? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, जीत रहे चुनाव 100%। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से भाजपा से बनाए गए प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बाहुबलियों से पैसे लेकर फिरोजाबाद से कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं। आप भी सुनिए भाजपा प्रत्याशी का ये बयान। जनता ने तय कर लिया कि ऐसी सरकार जो उन्होंने इस विपदा में योगी आदित्यनाथ जी ने जिन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ही काम किया है उन्होंने कि सब जो हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए खाने का काम और दूसरा आवाज देने का काम, 5 वर्ष में जो योजना लेके आए हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुझे नहीं मालूम था कि वास्तव में ये स्थिति होगी। जनता जिस गांव में मैं जाता हूं उस गांव में अकेले कोई ऐसा नहीं है। मैं यादवों को भी कह रहा हूं, यादव मुसलमान वो भी मुझे वोट दे रहे, जनता ने तय कर लिया। हाथरस सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगरा की पूर्व मेयर अंजुला माहौर ने अपना प्रत्याशी बनाया गया। जब से अंजुला माहौर को प्रत्याशी बनाया गया है तभी से भारी प्रत्याशी के रूप में उनका भारी विरोध चल रहा है। जो लोकल लोग टिकट की लाइन में थे उनके ओर से भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंजुला माहौर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और लोकल प्रत्याशी की मांग उठाते हुए भाजपा जिला कार्यालय का गिराव किया। रामपुर के विधानसभा 34 वार्ड टांडा में समाजवादी पार्टी के कदवार नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी ताफीन फातिमा खान ने नामांकन किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी का झंडा लहराएगा और मोहम्मद आजम खान की गैर मौजूदगी में भी समाजवादी का वोट नहीं कटेंगे और जो भी जुल्म हमारे साथ हुए हैं वो जनता की अदालत में दाखिल हैं और अब वो वक्त आ गया है जब जनता उन्हें जवाब देगी और जो हमारे परिवार पर झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं उनका फैसला भी अदालत करेगी। हालात ने बहुत कुछ लड़ना सिखा दिया है। बता दीजिए, मैंने आपको हालात ने सिखा दिया है। मतलब कुछ दुश्वारियाँ हुई नामांकन करने में? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। आपने कहाँ से नामांकन किया? स्वार। स्वार से। तो आपके बेटे साहब का, अब्दुल्ला जी का? हमारे बेटे साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या अपील करना चाहेंगी जी? क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? कुछ भी अपील नहीं करना चाहूँगी, बस जनता जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। जो भी जुल्म हमारे साथ हुए, बताया ना आपको कि मैं अब इस जुल्म के खिलाफ जनता की अदालत में जा रही हूँ, वक्त आ गया है, जनता खुद जवाब देगी। अब खबर लखनऊ से है जहां बंद्रा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस व आबकारी विभाग ने क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वाले पर शिकंजा कसते हुए बंद्रा पुलिस ने 5 अभियुक्तों समेत लगभग 150 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मैनपुरी में आगामी तृतीय चरण की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी सदर विधानसभा से ठाकुर जयवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं। वहीं जिले की भोगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं भोगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लोग विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ में हम लोग चारों विधानसभाओं पर कमल का फूल खिलाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय योगी जी और मोदी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोक हित में, लोक कल्याण के लिए, जनहित में और पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था
महमूद चूक परिवर्तन करके जो काम किया है इस डबल इंजन की सरकार ने, उसी का परिणाम होगा कि आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और हम 300 से ज़्यादा पहले से ज़्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। फिर जनता की सेवा करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, अपने जिले का विकास करेंगे, विधानसभा का विकास। विकास मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, गरीबों की सेवा मुद्दा है, गरीबों को आवास देने का मुद्दा है, बिजली दे रहे हैं, रसोई गैस दे रहे हैं। फरीदाबाद के मुजेडी गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां जानकारी मिली कि युवक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के ही लोगों ने मृतक के बड़े भाई को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में रखवा दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्याओं की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही जांच कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जहां लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने जांच के आदेश दिए गए हैं, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में आज मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में रखवा दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्याओं की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही जांच कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई है, इधर देखो जी, तो कितने उम्र है उनकी? 36 साल। हत्या हुई है, उनकी गोली मारी है, क्या है पूरा मामला? ये पता नहीं, जी हत्या हुई है, गोली मारी है। अच्छा। आप मरा? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला, आपने कब देखा? हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया? कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुंचा है, फिर हम पता लगा है। कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? 36 साल। तो आपने क्या देखा जाकर के, किस हालत में पड़े थे, क्या हुआ था? गोली लगी थी यहाँ से, अरे यहाँ सबड़ा, मतलब गोली मारी गई। हाँ जी। तो आपको रात नहीं पता चला? क्या पुलिस आई है मौके पर? अब पुलिस आई। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से? पुलिस ने कार्रवाई करी, अपने फोटो खींच के फिर उसको लेके गए भी की। पुलिस इसमें हर एंगल से जांच कर रही है और जो सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य जो लोगों की जो इससे पूछताछ हुए अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से आरोपियों तक जल्द पहुंचेगी, आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में तिलोई के राजभवन में हादसा हो गया। दरअसल अपने दोस्तों के साथ सेल्फी खींचने गया युवक करण की चपेट में आ गया। युवक राजभवन तिलोई के टीले से सेल्फी लेने का कर रहा था प्रयास, जहां अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर मेरा नाम अतीक अहमद है और ये जो है यहाँ पे फोटो सेशन कर रहा था और पीछे जो सेल्फी लेने के चक्कर में पीछे 11,000 की लाइन लगी हुई है, वहाँ से जो है उसको करंट लगा, उसी पे चिपक गया है। और मेरा लड़का भी इसके साथ में था जो कि दूर खड़ा हुआ था, तो उसमें जो है वो छुड़ा नहीं पाया, अगर वो भी छुड़ाता तो पकड़ लेता उसको भी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।